अभी जितने भी कस्टमर्स ने स्काइप के ऊपर फॉरवर्डिंग की हुई और फ्री नंबर है स्काइप के ऊपर फॉरवर्डिंग की हुई, उन सबकी स्काइप की आईडी चाहिए। करेंगे क्या उन कस्टमर्स को, स्काइप की आईडी लेंगे, वीपीएल के स्काइप में ऐड करेंगे और उन सबको फिर जैसे ही या तो वो ऑनलाइन आए या जब भी ऐड करेंगे, जैसे उसके साथ एक मैसेज भेज देंगे कि आपको सर्विस कैसी लग रही है और अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमसे फील फ्री करें तो कॉन्टेक्ट अस, इस तरह का मैसेज लिख के देंगे। तो मुझे बता दो कि मैं आपको ईमेल कर देता हूँ जो मैसेज भेजना है उन सारे कस्टमर्स को जिनका फ्री नंबर स्काइप के ऊपर फॉरवर्ड हुआ हुआ है अभी भी और फ्यूचर में भी। तो हर 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद लगा दो कि 4 दिन बाद जो है वो क्रॉन चले और उसके बाद उन कस्टमर्स को मैसेज जाए जिनका नंबर स्काइप पे फॉरवर्ड हुआ हुआ है और लेकिन फ्री नंबर है, जिन्होंने खरीदा हुआ उनको नहीं, सिर्फ फ्री नंबर्स वालों को और जिनका स्काइप के ऊपर फॉरवर्डिंग है। और वीपीएल के स्काइप पे भी मैं चाहता हूँ सारे कस्टमर्स को ऐड कर लूँ, तो मुझे बता दो कि कैसे शॉर्ट फॉर्म है या कौन से शॉर्ट तरीका ऐसा है जिससे उन सारे कस्टमर्स को स्काइप पे ऐड कर सकूँ। इसी तरह जो जी टॉक वाले कस्टमर्स हैं जो गूगल टॉक पे फॉरवर्ड किया हुआ है उनको भी मैसेज करना है और ऐड करना है कि आपको सर्विस कैसी लग रही है। मैं आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करके दे रहा हूँ, तो अगर CRM के ईमेल मैनेजर में लगा सकता हूँ तो वहां से बता दो, लगा दो ताकि फिर चेंजेस करने हो तो मैं खुद कर दूंगा और उस ईमेल को हर 4 दिन बाद जो है वो चला दे ताकि जिनका भी फ्री में जो नंबर्स लिए हुए उनका पता चल जाए हमें कि वो किस तरह उनकी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आ जाए। अभी तो हम उनको कुछ भी नहीं कर रहे, ना उनको कैश करते हैं ना कुछ करते हैं ना उनसे बात करते हैं, बस उनको खुद अगर चाहिए होता है तो वो हमसे बात करते हैं। थैंक यू।